हाई स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज की क्लास में मैं आपको सारे के सारे एच सी वर्मा के जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 114, ठीक है, उसके हम बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको फटाफट से उनके हिंट्स दूंगा या फिर उनको पूरा सॉल्व करेंगे हम बोर्ड पे। सो बेटा, लेट्स ओपन एच सी वर्मा पार्ट टू, पेज नंबर 114। उसमें वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर वन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, सो दिस साइड इज 5 सेंटीमीटर। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है 5×10⁻¹ कूलम। यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है बी पे −2.5×10⁻¹ कूलम, और यहां पे चार्ज रखा हुआ है 1×10⁻¹ कूलम, ठीक है। सो दिस चार्ज इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी इस तरह से, लेट्स कॉल दिस एज F1। यहां पे सॉल्व कर लेंगे अभी इसको। इन इसकी और इसकी वजह से अट्रैक्शन होगी, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लगेगी यहां पे, इस लाइन पे। इस फोर्स को F2 बोल देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये एंगल 60 डिग्री है ये वाला, तो ये 60 हो गया, तो ये वाला एंगल 120 हो गया। ठीक है, आप F1 F2 की वैल्यू निकाल लोगे। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ आपको। F1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू K 9×10⁻¹ Q1 5×10⁻¹ Q2 1×10⁻¹ डिवाइडेड बाय R है 5 सेंटीमीटर, तो 5×10⁻²। सॉल्व करें पूरा, चलो करते हैं इसको सॉल्व, देखते हैं क्या आंसर आता है। 9×5 = 45, 5×5 = 25 नीचे, सो इट इज 45/25×10⁻¹ देख लेते हैं। 9 यहाँ से, −7 यहाँ से, −7 यहाँ से, तो ये हो गया 10⁻¹ ऊपर, नीचे −4 था ऊपर चला गया, +4 हो गया। 10⁻¹ ऊपर से, +4 नीचे से, तो 10⁻¹। 45/25 को कैसे सॉल्व करोगे? क्या आप डिवाइड करोगे? कर सकते हो। 9 बचेगा ऊपर, 5 से डिवाइड करके नीचे 5 बचेगा, ये हो गया 1.8, और वो लगने की वजह से हो गया 0.18 न्यूटन। तो F1 की वैल्यू आ गई 0.18 न्यूटन। आई होप इट इज करेक्ट। F2 पे आते हैं। F2 भी सेम इसी तरीके से 9×10⁻¹ × this × this, तो ये 2.5 हो गया ना बेटा 5 की जगह, ये तो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये सीधा इसका आधा आ जाएगा। मैं सब सॉल्व करने के बाद सीधा लिख रहा हूँ 0.09 न्यूटन। तो एक काम करते हैं, इसको मन में अगर मैं 2x मान लूँ, है ना, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको x मान लूँ। ये 0.18 को 2x मान लिया, इसको x मान लिया। अब यहाँ पर एंगल 120 है, तो F नेट का फॉर्मूला लगा दिया दो वैक्टर्स को ऐड करने का, क्या होता है? रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1F2 cos 120। cos 120 की वैल्यू −½ होती है, यहाँ पर x की टर्म्स में पुट कर दिया, ये हो गया 2x² प्लस x² प्लस 2×2x×x×½ विद अ माइनस साइन। इसका आ गया रूट, ये −½ है, सॉल्व कर लिया, यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर रहे थे। 4x² + x² 5x², ये कट गया, ये −2x² आएगा, 5 − 2 = 3x² का रूट आंसर आता है, √3x आंसर आता है, √3x। x आपका ये है, पुट कर दो यहाँ पे, तो आंसर आता है √3×0.09 न्यूटन। छोड़ देंगे यहाँ पर, रिजल्टेंट देखते हैं कैसे आएगा। रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ये एंगल निकाल लेते हैं, इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं। अगर इसको अल्फा बोला तो बेटा ये ए हो गया, ये बी हो गया। आपको तो पता ही है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक ए एक बी, तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे होगा, ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल होता है उसको अल्फा बोलते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल रहा हूँ, ये रिजल्टेंट है बेटा, एफ नेट, दिस इज एफ नेट, ये वाला। तो अगर इसका एंगल इसके साथ अल्फा ले रहा हूँ, तो इस
तो मैं बोलूँगा कि भैया ये एंगल अगर अल्फा है तो ये ए हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, मतलब ये वेक्टर ए हो गया और ये बी हो गया। आपकी मर्जी, आप अगर इस ऊपर वाले को अल्फा मानते तो इसको ए मानना पड़ता, तो जो भी अल्फा के एडजेसेंट एंगल होता है उसको ए मानते हैं। तो मैं लिखूँगा टैन अल्फा, टैन अल्फा क्या होता है, बी, क्या होता था फॉर्मूला टैन अल्फा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। पुट कर दो, बी कितना है ये वाला, है ना, एक्स और टू एक्स में ही काम करते हैं बेटा, चलेगा। तो एक्स बी कितना है, बी ये वाला, ये टू एक्स है और ये एक्स है, तो हम बोलेंगे टू एक्स साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ 120, साइन 120 होता है रूट थ्री बाई टू डिवाइडेड बाय ए, ए कितना है ये वाला, यानी कि एक्स प्लस बी कितना है टू एक्स। कॉस थीटा, कॉस थीटा है हाफ विद अ माइनस साइन, ध्यान देना ये कट गया। अब देखो जरा बड़ी अजीब बात है, नीचे x और साथ में माइनस एक्स, तो नीचे आ गया ज़ीरो, तो ये नीचे ज़ीरो, ऊपर कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये आ गया इन्फिनिटी। तो tan अल्फ़ा इन्फिनिटी आ गया, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये अल्फ़ा आ गया आपका 90। अगर कोई पूछे जी ये कितना है ये वाला, तो बोल देना बेटा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 120 है ना। आप अगर मान लो ये अल्फ़ा लेकर चलते हैं ऊपर वाला, तो आपने देखना था यहाँ पर आपको tan अल्फ़ा की वैल्यू रूट थ्री मिल जाती, उस केस में कितनी मिल जाती, रूट थ्री। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नोट कर लो, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है ऐसा, क्योंकि कुछ खास चीज़ तो है नहीं इसके अंदर। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू। आप लोग जरा अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर टू को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, है ना। एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं हम लोग, एच सी वर्मा के सॉल्व एग्जांपल्स, तो देखते हैं। क्वेश्चन टू में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन टू में आपको दिया हुआ है कि एक चार्ज है 8 × 10⁻⁶, एक दूसरा चार्ज है −2 × 10⁻⁶। आपको बोला जाता है कि एक तीसरे चार्ज को कहाँ रखो, तीसरे चार्ज को कहाँ रखो ताकि इनके बीच में ताकि तीसरे चार्ज के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो लगनी शुरू हो जाए। कितनी लगनी शुरू हो जाए, ज़ीरो लगनी शुरू हो जाए। तो आपको इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला, वो दे रखा है। उस डिस्टेंस को अभी के लिए हम डी मान लेते हैं, उस डिस्टेंस को अभी के लिए हम डी मान लेते हैं। ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक इसके लेफ्ट में सिचुएशन है, ये मैं आपको लेक्चर्स में बता चुका हूँ, एक इन दोनों के बीच में सिचुएशन है और एक इसके राइट में सिचुएशन है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये दोनों चार्जेस अनलाइक होते हैं, अनलाइक मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उस केस में कभी भी इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो या तो इसके राइट में होगी या फिर इसके लेफ्ट में होगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हमने देखा था कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इसकी वजह से, इस प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी और इस नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगी। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं देखूँगा इस नेगेटिव की वजह से इधर होगी टूवर्ड्स और इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट में अवे होगी, तो वहाँ भी ज़ीरो हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में आते हो तो इसकी वजह से अवे होगी और इसकी वजह से टूवर्ड्स होगी, तो दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के लायक नहीं है। तो जब कैंसिल नहीं हो सकता तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अनलाइक चार्जेस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो या तो एक चार्ज के इधर की साइड होगा या फिर दूसरे चार्ज के इधर की साइड होगा, है ना। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है उस पॉइंट को बेटा क्या बोलते हैं, हम नल पॉइंट। तो यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस चार्ज को अपने मन में 4x मान लो और इस चार्ज को x मान लो, या इसको 4q मान लो और इसको q मान लो। मैं आपको नई टेक्निक सिखा रहा हूँ। अब देखो ये टेक्निक आप बेटा तभी लगाना जब आपकी मैथ्स बड़ी स्ट्रांग है। आपको साफ साफ दिख जाएगी ये चार्ज 4 गुना है और ये चार्ज उससे 1/4 है। अगर आपको दिखता है तो आप 4q और q मान सकते हो। माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन ने केवल डायरेक्शन बतानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हम देख चुके हैं। देखो जरा, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो इस तरफ है या फिर इस तरफ है, तो क्या सही है, उस तरफ होगा ना बेटा। मैंने आपको बता रखा है नल पॉइंट हमेशा छोटे चार्ज के पास होता है। क्यों होता है ऐसा, कि छोटा चार्ज बोलेगा कि यार मुझे इस बड़े चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई करना है, मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को काटना है, तो मेरे अंदर तो वैसे ही कम शक्ति है,
तो प्लीज एक नल पॉइंट को मेरे करीब रखो, क्योंकि तभी तो मैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पाऊंगा जितना ये बड़ा चार्ज दूर से लगाएगा। तो ये बड़ा चार्ज है, इसकी पहुंच दूर तक है, ये छोटा चार्ज है, ये तो बहुत कमज़ोर है, तो इसकी पहुंच तो पास तक ही है, तो जितना इफेक्ट ये दूर लगाएगा उतना इफेक्ट ये अपने पास लगा सकता है, मतलब कैंसिल होने के चांस हैं। इस साइड कैंसिल होने का कोई चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट तो बेटा इस बड़े वाले के करीब है, तो ये तो बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा, और वो दूर होने की वजह से और छोटा होने की वजह से उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कभी मैच ही नहीं कर पाएगा। तो नल पॉइंट हमेशा इसके पास में होगा, तो इस पॉइंट को नल पॉइंट बोलते हैं, ये डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं, ध्यान देना। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 बोल रहा हूँ, जो इसकी वजह से ये चार्ज 1 हो गया, ये चार्ज 2 हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है E2। अब नल पॉइंट की कंडीशन क्या है कि E1 शुड बी इक्वल टू E2। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बेटा, K4Q अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, D+X का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी है, K Q। मैंने आपको बता रखा है जब भी आप इस तरह का इक्वेशन लगाते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का आप स्केलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हो तो आपको चार्ज का साइन पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो K Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर, K कट गया, Q कट गया, Q कट गया, K कट गया, क्या होगा, रूट कर दो, तो रूट करने के बाद हो जाएगा 2 अपॉन D+X इज इक्वल टू 1 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2X इज इक्वल टू D+X, तो X आ जाएगा D के बराबर, जो D की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन का आंसर भी है। चलो बेटा अब थर्ड क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, कूलम लॉ का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस पर 3 चार्जेस गिवन है, और जो चार्ज राइट एंगल पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर नेट फोर्स निकालनी है। तो आप दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालो, एक को बोल दो F1, एक को बोल दो F2, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, डायग्राम बुक में बना हुआ है, आप उसको सॉल्व कर लो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें 2 आयरन की बॉल्स हैं, ठीक है, इनको वैसे पॉइंट चार्ज ही मानेंगे, मैंने थोड़ा बड़ा दिखा दिया, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 280 mg की बॉल है, 280 मिलीग्राम्स, ये भी 280 मिलीग्राम्स है, ये दोनों की दोनों आयरन की बनी हुई है, Fe, ठीक है, Fe का मोलर मास होता है 56 ग्राम्स, Fe का मोलर मास होता है 56 ग्राम्स। आपसे बोला गया कि इसमें से 0.01% इलेक्ट्रॉन्स निकाल कर यहाँ से वहाँ भेज दिए गए इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर ऐसा मैं करता हूँ तो ये वाली बॉल अल्टीमेटली माइनस क्यू चार्ज पाएगी और ये बॉल प्लस क्यू चार्ज पाएगी। फिर उसने बोला कि बताओ इनके बीच में फोर्स कैसी होगी, तो आंसर इज अट्रैक्टिव। जब भी दो बॉडीज़ को रब किया जाता है और वो चार्ज हो जाती हैं, या फिर जब भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन उठाकर दूसरी को दे दिए जाते हैं और शुरू में वो न्यूट्रल होती हैं बाद में चार्ज हो जाती हैं, तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिले वो नेगेटिव और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए वो पॉजिटिव, ये तो हम समझते हैं। अब यहाँ पर वही वाली बात हुई है कि इसने इलेक्ट्रॉन दिए और इसने इलेक्ट्रॉन लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, बस उसी की कैलकुलेशन है सारी। अब ये देखो 280 मिलीग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने, थोड़ा केमिस्ट्री भी लगेगी यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स हैं 280 × 10³⁻³, ये ग्राम्स में हो गया, डिवाइडेड बाय 56। इसका जो मोलर मास होता है वो 56 होता है, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 56 होता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कट गया, यहाँ आ गया 5, तो आंसर आ गया 5 × 10³⁻³ मोल्स। क्यों निकाल रहे हैं मोल्स, क्योंकि मोल से हम निकालेंगे एटम्स, तो इस बॉल के अंदर आयरन के इतने मोल्स हैं एक बॉल के अंदर, तो एटम्स कितने, तो लिखते हैं एटम्स को बेटा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो ये होगा एटम्स। एटम निकालने का सीधा क्या फंडा है, जितने मोल्स हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल्स कितने हैं 5 × 10³⁻³, और एक मोल में कितने एटम होते हैं 6 × 10³⁷, तो आंसर क्या आता है 3 × 30 हो गया, एक 10 इसको दे दिया, माइनस 2 रह गया, 10³⁷ एटम्स। तो इसका मतलब इस बॉल के अंदर इतने एटम आयरन के पड़े हुए हैं। अब इतने एटम आयरन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमको ये भी निकालना है, बड़ा आसान है, हर हर एटम के अंदर इसका जो जेड होता है
वो होता है बेटा 26। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। क्या मतलब है कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम इज 26। तो अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं, ध्यान देना, इन वन बॉल, एक बॉल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो एटम कितने हैं बेटा, 3 × 10^21। हर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 26। आंसर आता है 7.8 × 10^22 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान देना, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इतने में से 0.01% यहां से वहां ट्रांसफर करती है, तो इसका 0.01% निकाल लेते हैं। इसका 0.01% मैं यहां निकाल रहा हूं, 0.01% जो होगा इट विल बी इक्वल टू 0.01/100 × 7.8 × 10^22। दो जीरो यहां से गए, ये कट के, और दो जीरो ये ले गया, तो 18 बच गया। तो 7.8 × 10^18 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉल नंबर 1 टू बॉल नंबर 2। अब जब इस तरह की चीज हुई तो इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो क्यू निकाल लेते हैं, कितना चार्ज है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है वो क्यू है। तो हम बोलेंगे क्यू इज इक्वल टू एन ई, याद आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एन कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 7.8 × 10^18 × 1.6 × 10^-19। अब 7.8 × 1.6 बड़ी बेकार कैलकुलेशन है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं 8 × 1.6 मान के कर रहा हूँ, तो 8 × 1.6 होगा 12.8। चलो कर लेते हैं, चलो ये आ रहा है 12.48 × 10^-1, सो इट इज 1.248 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ है 1.248 कूलम। तो बस इसको 1.25 मान लो, इसको अप्रॉक्सीमेटली यू कैन अज्यूम इट टू बी 1.25 कूलम। तो अगर ये 1.25 है, अगर ये 1.25 है, तो आपने Q को भी 1.25 रख देना है, इसको भी 1.25 रख देना है। फॉर्मूला क्या लगा देना है, F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना है, के आर वार आपको दे रखा है, आर को 0.1 मान लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ तक हमने चार क्वेश्चंस कर लिए हैं।